आपने उस काणे से पूछा कि वो रजत शर्मा के शो में बैठकर जो यूं करके भाइयों बहनों बच्चों सुनिए सुनिए, ये रजत शर्मा के शो में बैठकर ये पौने दो आंख वाला मिंटिया, ये पौने दो आंख वाला मिंटिया सलवार जीवी इनके लिए सलवार जीवी, ठीक है, ये सलवार जीवी रजत शर्मा के शो में बैठ के बच्चों से पूछता है, बच्चों आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या 90 रुपए पेट्रोल चाहिए, जो आपको 35 रुपए पेट्रोल दिलाएगा उसे वोट देंगे या 90 रुपए वाले को। अबे काणे तू पतंजलि में पेट्रोल भी बनाने लग गया क्या? भाई वाह, सुनो सुनो, एक बोरी आप कह रहे हैं 2000 रुपए में एक बोरी खाद आ जाती है, इन्होंने क्या हेमा मालिनी की तरह अपने घर की छत पे गन्ना उगा रखा है क्या कि एक बोरी खाद में काम चल जाएगा? आप गए थे मुंबई, आप गन्ना खा गए क्या? क्या भाई आप तो कह, जब देश के सारे पत्रकार कह रहे हैं, देश की मीडिया के जो बिकाऊ पत्रकार हैं वो कह रहे हैं, देश के नेता कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, तो भैया सारे तो जो किसान हैं वो तो पहुंच गए हैं। आपने देखा संसद के अंदर हेमा मालिनी पहले फ्लोर पे गन्ना उगा रही है, दूसरे पे मक्का और तीसरे पे ज्वार, तो उनके लिए तो 2000 बहुत है, एक कट्टा खाद में तीनों जगह डल जाती है उनकी खाद। सुनिए मैं बोलता रहता हूँ, भाइयों और बहनों गरीबी क्या होती है, गुजारा करता है गरीबी, गरीब कैसे गुजारा करता है और कैसे अपना घर चलाता है, ये सिर्फ गरीब ही समझता है। ये देखिए 10 लाख का लेकर 1.5 लाख का चश्मा पहनकर ये गरीब देखिए, इस इंटरनेशनल गरीब को तो ढूंढिए, ये गरीब कहाँ से आ गया? इस भाइयों बहनों वाले इंटरनेशनल गरीब को तो देखिए कैसा ड्रामा करता है। लेकिन आपने सत्ता में बिठाया वो बांट रहे हैं, आपने सत्ता में बिठाया वो लोग बांट रहे हैं सर्टिफिकेट। एक बात आप मुझे बताइए, परजीवी पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, जरा आप ये बताएंगे? आप जिन्हें पैरासाइट्स, जिन्हें परजीवी, जिन्हें आंदोलन जीवी कह रहे हैं, आज आप जो खड़ी हुई है ना और जो बोले जा रही है पटर पटर बिना रुके कंटिन्यू, ये उन आंदोलन जीवी के बदौलत ही बोल रही है जिनके कारण ये देश आजाद हुआ, वरना किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रही होती, तो ये उन आंदोलन जीवी की बदौलत देश आजाद हुआ है, जिन्हें आप परजीवी, आंदोलन जीवी या पैरासाइट्स कहते हैं। हमें क्या समझा रहे, सरकार को समझाइए, 80 दिन से समझाई तो रहे हैं आप। अरे सरकार को सुनिए, सरकार को कहां से समझाएं, सरकार के नेता और मंत्री तो गरम मसाले में गधे की लीथ मिला के खा रहे हैं, इन्हें कहां समझ में आ रहा है? आप समझिए ना बात को, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता, इन्हें कुछ समझ में आए तो समझा। लाने वाला कौन, ऐसी सरकार को लाने वाला कौन, कौन बताइए आप बताएंगे? मैं क्या गोदी में उठाकर लाया था मोदी जी को गुजरात से, जो मेरे से कह रहे हैं कौन? मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। तो सरकार में कौन, मोदी जी नहीं है तो और कौन है? डोनाल्ड ट्रंप बैठ गया क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पे? बड़े विश्वास से बिठाया था ना आपने, बड़े विश्वास से चुना था प्रधानमंत्री को, आप क्यों नहीं विश्वास कर रहे जब MSP की बात? विकास का नाम बदल के विश्वास रख गया है क्या? आपने बताया नहीं मुझे है? आप एक बात मुझे बताइए, सुनिए, आप देश के पत्रकार होकर आप ये तो कभी सवाल नहीं करते कि अरुणाचल प्रदेश पे जो बैठा हुआ है चाइना वो क्यों बैठा हुआ है, देश का किसान यहाँ पर, आपने ये नहीं पूछा कि 200 से ज्यादा उस भाषण जीवी से पूछिए, उस बेचू जीवी से पूछिए। आपने आज से पहले राम के दोहे सुने होंगे, रहीम के दोहे सुने होंगे, तुलसीदास के दोहे सुने होंगे, एक दोहा नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचाना कोए, के बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचाना कोए, छूट गया हो यदि कुछ तो सूचित कर दो मोए। इन्होंने देश की तमाम संपत्ति बेच दी। हमने जिन्हें समझा था लीडर वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। आप ये समझिए, ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले पूरे देश को ही बेचने में लगे हुए हैं, जैसे इनके बाप दादाओं को हिंदुस्तान दहेज में मिल गया हो कि बेचते रहो, ये बेचे ही जा रहे हैं। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी नौटंकी करते हैं कि अगर इनका शो एक तरफ और कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा का शो एक तरफ, अगर इनका शो स्टार्ट हो जाए ना संडे मंडे को, तो लोग कपिल शर्मा का शो देखना बंद कर दें, इन्हीं का शो देखें। इन्हों की टीम में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं, एक कलाकार इनका उत्तर प्रदेश वाला है, तो एक कलाकार इनका ऐसा है कि वो बहुत ही तगड़ा कलाकार है, नाम बदलने वाला कलाकार, देश के तो नंबर वन नेता है।
नंबर वन नेता में आते हैं वो। अच्छा तो आप भी अपना नाम बदलवा के आइए ना, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप जाइए एक बार मिल के आइए उनसे, उनका तो बस नहीं चलता, उनसे कभी मत प्रश्न कर लेना कि योगी जी विकास नजर नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में। वो इतना तेज आदमी है कि सारे उत्तर प्रदेश के लोगों का नाम विकास ही धर देगा। तो आप जिससे पूछो कि हाँ विकास रास नहीं आ रहा इन किसानों का हाथ नहीं, आपके विकास देखने के चक्कर में मोहल्ले में क्षेत्र में इतने सारे विकास पैदा हो गए लेकिन आपका विकास आज तक नहीं मिला। कहाँ है आपका विकास? आपका काम सिर्फ ये है देश के किसानों को प्रताड़ित करना, उनको शोषित करना, देश के किसानों को परेशान करना और लाखों करोड़ों रुपया बहा देना सिर्फ नाम बदलने में। ये आदमी सिर्फ नाम बदलने में बहा देता है। जितना नाम बदलने में इसने लाखों करोड़ों रुपया बहाया है इतने में तो नई संपत्ति बन जाती सरकारी संपत्ति, लेकिन ये नाम बदलने में विश्वास रखता है। परेशानी है अगर उन्होंने अपना नाम बदल लिया है तो आपको क्या परेशानी है इस चीज में? नेतागिरी तो अच्छी करते है ना, वो तो देख लीजिए। तो आप अपना नाम बदलती क्यों नहीं है? आपका नाम, अरे सुनिए, क्या परेशानी है उनके नाम बदलने? तो आपका भी तो नाम बदल गया है, हैं? पत्रकारों से होकर दलालगिरी भी तो रख गया है आपका नाम, हैं? आप भी तो दलाली कर रहे हैं, तो आपका भी तो नाम बदला है। आप अपना नाम तो नहीं बताती कि आपका नया नाम रख दिया। जब योगी जी नाम बदल सकते हैं तो देश की जनता भी तो नाम बदल सकती है। तो देश की जनता ने पत्रकारों का नाम दलालगिरी रख दिया तो इसमें आपको क्या आपत्ति है ये बताइए ना? कोई आपत्ति है आपको इससे? कौन से पत्रकारों को? क्यों आपत्ति है? कौन से पत्रकार हो? यहाँ जितने भी पत्रकार मौजूद है वो किसानों के समर्थन वाले पत्रकार हैं। तो आप फिर भी आपको परेशानी है? तो आप किसान भी आपको परेशानी आपको चाहिए क्या? फिर परेशानी को क्या, मैंने इनको क्या कह दिया भैया ऐसा जो परेशानी हो गई? आपने कहा कि अच्छा काम करें, जब आप सरकार की वकालत करेंगी तो प्रश्न का जवाब भी तो देना पड़ेगा। मतलब नहीं नहीं आप एक बात मुझे बताइए, आप प्रश्न कर रहे हैं ठीक है और मैं कह दूं जी योगी जी ठीक कर रहे हैं तो आप शांत हो गई? तो आप सुनिए, अरे सुनिए, मैं मोहित जी सुन रहे हैं, मोहित जी आप ही की सुन रहे हैं पिछले 6 महीने से, लेकिन आपकी सुनने का कोई फायदा नहीं है। आपकी और एक वो 24 घंटे आ जाता था, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत। अरे जय किसान, जय किसान, जय किसान। आपने ही देखकर नंबर वन चैनल बनाया है, टीआरपी भी बढ़ा दी देख देख कर आपने। मेरे घर के अंदर आप एक बात मुझे बताइए ना, मेरे घर में, अरे आप फिर भाई बात सुनिए 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 सुनिए, यही गड़बड़ है देश के पत्रकारों की, यही गड़बड़ है। आधी अधूरी जानकारी हर चीज के लिए हानिकारक होती है। आपने टीआरपी स्कैम घोटाला नहीं सुना था क्या? तो आप कह रही हैं, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मेरे घर में सर्टिफिकेट छप रहे थे, मैंने अर्णब गोस्वामी को पकड़ाया, इधर आ रहे ले सर्टिफिकेट पकड़। आप एक बात मुझे बताइए, आप देश के किसान को जो देश की सरकार खालिस्तानी पाकिस्तानी और आतंकवादी कह रही है, आप में से एक भाई एक पत्रकार जरा आगे आइए अपना कैमरा छोड़कर, आज मैं आपको समाधानी करा दूं आपकी सारी मंशा का। एक आइए, अरे आइए ना, अरे देखिए सुनिए, आप लोगों का सहयोग और साथ है, लेकिन आप लोगों के सहयोग और साथ के जरिए उन देश के तमाम लोगों को मैसेज और संदेश देना हमारा कार्य है जो देश के किसान को खालिस्तानी पाकिस्तानी और आतंकवादी कहने। एक मेरा भाई आप आइए, आप आइए आज देखिए, क्योंकि ये पूरे देश के अंदर ये मैसेज दिखाना बहुत जरूरी है। आप माइक पकड़िए एक मिनट आराम से, मेरे भाई आप इधर आइए, पीछे देश के किसान ही खड़े हुए भाई, सुनो सुनो, इसकी तलाशी करो आप, इसकी तलाशी करो आप, इसे आतंकवादी खालिस्तानी पाकिस्तानी बता रहे हो ना, तो आज आप ये मैसेज देखो। अरे एक मिनट रुकिए, आप रुकिए, तो आप इसकी तलाशी लो, इसके पास कौन सा हथियार? कुछ नहीं है हथियार। अरे तो चेक तो करो, ऐसी कैसे पता चल गया? नहीं है, मुझे पता है। नहीं नहीं पता नहीं है आप, मुझे पता है इसके पास कोई हथियार नहीं। मैसेज जाना चाहिए ना, आप जिन्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी कहते हैं वो किसान है, और किसान की सरकार सरकार को लाया कौन? यही लाया है जिसको खालिस्तानी बोलते हैं ना, ये किसान चाहता। सुनिए सुनिए, लाया कौन? यही लाया। एक बार अगर आप चेक करेंगे, आप कौन ऐसा आदमी है जिसको आप छोड़ रहे हैं? आप किसको छोड़ रहे हैं? एक मिनट एक मिनट, पत्रकार कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाता भाई, पत्रकार को नहीं कह रहा, आप लोगों के माध्यम से बता दीजिए किसको टारगेट नहीं करते आप ही की बता दो, पत्रकार को टारगेट, आप ही बोलिए सरकार को टारगेट। एक बार इन्हें चेक करिए, चेक तो करिए, गोस्वामी को टारगेट, उसका चैनल देखता कौन है? कौन देखता है? हम में से कौन देखता है? देश का किसान नहीं देखता। सुनिए अब मेरी बात, अरे अब आप मेरी बात सुनिए, देखने वाला भी वही। आप इसे एक बार चेक तो करिए, आपके माध्यम से मैसेज जाएगा, आप इसको ऐसी चेक करिए ना, जो इसके पास क्या है भरोसा करते हैं, जैकेट भी देखिए, वही अगर इसको आज खालिस्तानी मेरे तो गलती किसकी है? सुनिए इनके भरोसा मिलेगा तो बता देंगे, खूबियां तो बता दीजिए। हाँ हाँ खूबियां नहीं, अरे सुनिए
खूबियां नहीं इस बाजी की, ऐसी ये नौटंकी और ड्रामेबाजी करता था जिसके अंदर पूरा देश आ गया। अब सुनिए क्या कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सारे भाई शांत रहेंगे तो सबको सुनाई देगा। सुनिए मैं बोलता रहता हूँ, भाइयों और बहनों, गरीबी क्या होती है, गुजारा करता है गरीबी, गरीब कैसे गुजारा करता है और कैसे अपना घर चलाता है, ये सिर्फ गरीब ही समझता है। ये देखिए 10 लाख का सूट लेकर 1.5 लाख का चश्मा पहनकर ये गरीब देखिए, इस इंटरनेशनल गरीब को तो ढूंढिए, ये गरीब कहाँ से आ गया, ढूंढिए। इस भाइयों बहनों वाले इंटरनेशनल गरीब को तो देखिए कैसा ड्रामा करता है। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार या लखनऊ में बैठी, दिल्ली में बैठी हुई और सरकार और लखनऊ में बैठी सरकार बिल्कुल नहीं सुनती, और आज भी लखनऊ में बैठी सरकार तो बिल्कुल ही सुननी बहरी हो गई, क्योंकि उसने नाम ही बदल दिया लखनऊ का, लखनऊ का नाम बदल के उसने रख दिया होगा अमेरिका या जापान, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो कलाकार आदमी है भाई साहब। आप ये बता दीजिए, हाँ। आप किस प्रकार से मनाएंगे, आप सरकार से उम्मीद क्या लगा रहे हैं? बाप मनाएंगे क्या, ये रूठी हुई दुल्हन थोड़ी है, किसको जाके मनाएंगे, मनाएंगे क्या, वोट दिया है, वोट दिया है देश की सरकार ने, देश के लोगों ने वोट दिया है, और जाएंगे और सीधे कहेंगे कि बिल वापसी लो, और जिस दिन बिल वापसी उस दिन घर वापसी, सीधे तौर पर है। 77 दिन से बैठे हुए, 78वां दिन है, हाँ। पत्रकारिता कर रहा हूँ। अब ये तो सुनिए, देश का इतिहास पढ़ा है आपने, इस भारत देश के इतिहास में सुनिए, भारत देश के इतिहास में इतने बड़े बड़े जनव्यापी आंदोलन चले, इतिहास पढ़ा हो तो आपको पता भी होगी कि आंदोलन के आगे देश की सरकार नतमस्तक हुई है और देश के प्रजातंत्र के आगे झुकी है और माफी भी मांगी है, और पूर्ण रूप से हमें देश के किसान के इस आंदोलन पे यकीन है कि सरकार झुकेगी भी और किसान से माफी भी मांगेगी। बंगाल में अमित शाह जी कह रहे हैं कि बंगाल के किसानों को 18,000 रुपए दिए जाएंगे, अब क्यों 2,000 में खर्चा पूरा नहीं हो रहा, आपको नहीं मिले 2,000, आपको नहीं मिले 2,000, एक काम करिए, अरे सुनिए, पूरे देश को पता है कि नेशनल मीडिया में आप एक बात बताइए, वो नेशनल मीडिया वाले पत्रकार हैं, आपको 2,000 रुपए किसान के दिख गए, आपने कभी ये सोचा है कि एक मामूली सी एंकरिंग करने वाला पत्रकार जो 50,000 से 60,000 रुपए महीना कमाता है, वो कैसे देखते देखते ऑडी मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी और फरारी खरीद लेता है, उसको कौन सी विदेश से फंडिंग आ रही है, उसको विदेश से फंडिंग नहीं आ रही, उसको सरकारी जूता आ रहा है, उसको चपाड़े जा रहा है और जेब में भरे जा रहा है। आप एक बात सुनिए, 2,000 रुपए मैं आपको दे दूं, आपके पूरे महीने का खर्चा चल जाएगा, बताइए ना आप मुझे, बात कर रहे हैं अपनी, आपके माध्यम से मैं उनको कह रहा हूँ जो पत्रकार 2,000 की किसान की बात कर रहे हैं, मैं किसान की औकात 2,000 रुपए की है, अरे सुनिए, ये 2,000 रुपए का तो हुक्के के अंदर ही अपना वो ही भर देता तंबाकू। खाद पानी के लिए दिए थे ना कि आपको तंबाकू भरने के लिए, खाद पानी में 2,000 रुपए में खाद आ जाती है, हैं? क्यों आएगा नहीं, एक बोरी तो आई है, वाह भाई वाह, सुनो एक बोरी, अरे आप कह रहे हैं 2,000 रुपए में एक बोरी खाद आ जाती है, इन्होंने क्या हेमा मालिनी की तरह अपने घर की छत पे गन्ना उगा रखा है क्या कि एक बोरी खाद में काम चल जाएगा? आप गए थे मुंबई, आप गन्ना खा गए क्या भाई? आप तो कह, जब देश के सारे पत्रकार कह रहे हैं, देश की मीडिया के जो बिकाऊ पत्रकार हैं वो कह रहे हैं, देश के नेता कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, तो भैया सारे तो जो किसान हैं वो तो पहुंच गए हैं, आपने देखा संसद के अंदर हेमा मालिनी पहले फ्लोर पे गन्ना उगा रही है, दूसरे पे मक्का और तीसरे पे ज्वार, तो उनके लिए तो 2,000 बहुत है, एक कट्टा खाद में तीनों जगह डल जाती है उनकी खाद। बहिष्कार तो पतंजलि का भी किया था ना आपने, पतंजलि का भी तो बहिष्कार किया था, आज उन्हीं की कंपनी है जिसने 227 करोड़ का मुनाफा कमाया है। आपने उस काणे से पूछा कि वो रजत शर्मा के शो में बैठकर जो यूं करके, भाइयों बहनों बच्चों सुनिए, ये रजत शर्मा के शो में बैठकर ये पौने दो आंख वाला मिंटिया सलवार जीवी इनके लिए सलवार जीवी, ठीक है, ये सलवार जीवी रजत शर्मा के शो में बैठ के बच्चों से पूछता है, बच्चों आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या 90 रुपए पेट्रोल चाहिए, जो आपको 35 रुपए पेट्रोल दिलाएगा उसे वोट देंगे या 90 रुपए वाले को? अबे काणे तू पतंजलि में पेट्रोल भी बनाने लग गया क्या, ये बता ना,
तो आज आप उससे क्यों नहीं पूछती कि भैया काणे महोदय आप 90 रुपए पेट्रोल दिलवा रहे हैं, हैं? हम दो हमारे दो डीजल 90 और पेट्रोल 100 और ये रहे हैं घर में 100, समझ रहे हैं? तो इनको भी तो पूछिए आप। आगे क्या प्रयास करने वाले हैं, से आंदोलन को देख रहे हैं आगे की तरफ? देखिए देश का किसान का आंदोलन लगातार चल रहा है और देश का किसान अपनी मांग पे अडिग है और जब तक देश की सरकार किसानों को लेकर बात नहीं करेगी, क्योंकि आप ये समझिए जो सरकार मंडियों की बात कर रही है, इन तीनों बिल के अंदर पॉइंट को आप रीड करके देखिए, मंडियों का कोई जिक्र ही नहीं है। तो जो देश की सरकार जो किसानों को लेकर बात कर रही है, ये किसान हितेशी सरकार है ही नहीं। अगर किसान हितेशी सरकार होती तो किसानों के हित में सोचती। एक बात आप मुझे बताइए, मैं आपसे कहूँ कि आप मेरी जैकेट पहन लीजिए, आप पहन लेंगी? आप मना करिए मैं नहीं पहननी, मैं आपको जबरदस्ती कह रहा हूँ पहन ले, तो मैं क्यों कह रहा हूँ? जब आपका मन ही नहीं है पहनने का तो आप नहीं पहनेंगी, तो आप देश हाँ तभी तो पहने, बिल्कुल बिल्कुल फायदा बिल में नहीं है, फायदा बिल में नहीं है। मैं आपको जैकेट इसलिए पहना रहा हूँ कि वो सामने वाला बंदा कह रहा है कि तू पत्रकार से शर्त लगा ले मुझसे कि ये पत्रकार तेरी जैकेट नहीं पहनेगा, तो मैंने उससे जो 2000 रुपए की शर्त लगा रखी है उसके कारण मैं आपको जैकेट पहना रहा हूँ। तो जो आप समझ लीजिए, इन्होंने नेताओं ने जो टोपी पहना रखी है ना, जो करोड़ों रुपए की टोपी पहन रखी है इन्होंने, वो टोपी किसान के सर पर ढकना चाह रहे हैं। अच्छा एक आखिरी सवाल, आप 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करते हैं आपकी फेल होती है जी। दूसरी बात चक्का जाम करते हैं वो आपका फेल होता है। अब आप बोल रहे हैं कि हम 12 तारीख को जो है टोल फ्री करेंगे राजस्थान में, आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं क्या जो राजस्थान में आप टोल फ्री करेंगे, जबकि आपका तो ये किसान आंदोलन है। एक बात मुझे बताइए मेरे भाई, आपने बोला कि 26 जनवरी 6 फरवरी की जो किसान का जो भारत बंद था वो असफल रहा, कैसे असफल रहा? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, आप इस बात को समझिए। ये हमारे देश का किसान है जो अपनी भारत माँ से प्रेम करता है। इनकी नजर में तो भारत बंद जब सफल होता है जब तक सरकारी संपत्तियों को तोड़ा ना जाए, जब तक कूद फांद ना हो, जब तक एक आध दो के हाथ पैर ना टूट जाए, ये तो तब भारत बंद सफल करते हैं। ये देश का किसान है, ये शांतिपूर्वक ढंग से कानून और संविधान के दायरे में रहकर, जिस तरीके से आपने देखा 6 फरवरी को एम्बुलेंस भी आराम से गई और आई और जो जरूरत का सामान था उसे भी आराम से आने दिया गया और जाने दिया गया, क्योंकि किसान की लड़ाई देश की सरकार की नीतियों से है ना कि देश की आम जनता से है। ये बात आपको समझनी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रे अन्नदाता की पुकार सुने ना, अन्नदाता की पुकार सुने ना, या सरकार मोदी की, सरकार मोदी की, रे कानून काले तीन तोड़ दे नहार मोदी की, ये कानून काले तीन तोड़ दे नहार मोदी की।
अन्नदाता की पुकार सुने ना, अन्नदाता की पुकार सुने ना। या सरकार मोदी की, सरकार मोदी की, रे कानून काले तीन तोड़ दे नहार मोदी की, ये कानून काले तीन तोड़ दे नहार मोदी की। रे राजी हो के राज देश का सौंपया तेरे हाथा में, रे बरते पाछे बेड़ा लाग गया सब ने भड़ो गया बत्ता में, सब ने भड़ो गया बत्ता में। रे अंबानी की खातिर चले, अंबानी की खातिर चले, कार मोदी की रबियो कार मोदी की, रे कानून काले तीन तोड़ लग रही, बेरी गेट के ऊपर लग रही कंटीली।